लास्ट वाले वीडियो में हमने बात की कि किसी ने अगर हमें हर्ट किया है और वो इंटेंशनली किया है और हमें वो समझ आ रहा है तो हम लेट गो कर दें। अब क्वेश्चन आता है, अरे लेट गो कर दें कैसे कर दें? मतलब हर्ट हुआ है मुझे, सो इट्स ओके, इट्स नेचुरल, इट्स ह्यूमन बिहेवियर, बट इफ यू रियली वॉन्ट टू गो अहेड यू हैव टू लेट गो द थिंग्स। सो इसके लिए मैं एक छोटा सा टिप लेके फिर से हाजिर हूँ आरती देसवाल आपके लिए, सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, राइट? सो लेट गो करने का सबसे बेस्ट तरीका है फॉरगिवनेस। फॉरगिव योर सेल्फ, फॉरगिव अदर्स हु सो एवर हर्ट यू। ओके, अब बात आती है फॉरगिव कैसे करें। अब जाके उसको बोले कि एक तो वो रीज़न नहीं बता रहे हैं या एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि ऐसा क्यों बोला, क्या हुआ था, वट एवर, राइट? तो आई एम नॉट सेइंग गो टू दैट पर्सन एंड से जा माफ़ कर दिया मैंने। इट्स नॉट लाइक दैट। वेन यू प्रे टू गॉड, जस्ट टेक अ 1 मिनट एंड ट्राई टू डिस्कस दैट थिंग विद गॉड, राइट? एक्सप्लेन, आई वॉन्ट टू फॉरगिव माई सेल्फ इफ आई हैव हर्ट समवन एंड आई वॉन्ट टू फॉरगिव अदर्स, दे हैव हर्टेड मी फॉर सो एंड सो रीजन्स। ओके, एक बात आप समझ के रखिए, आप तब तक हर्ट नहीं हो सकते जब तक आप खुद से हर्ट नहीं होना चाहते। ओके, सो आप हर्ट होते हैं क्योंकि आप खुद को हर्ट होने देते हैं। ट्राई दिस सिंपल टिप एवरी डे, एवरी डे यू प्रे टू गॉड, जस्ट टेक अ सिंगल मिनट एंड जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद द गॉड एंड से आई फॉरगिव माई सेल्फ इफ आई हर्ट एनी वन एंड आई वॉन्ट टू फॉरगिव सो एंड सो पर्सन और एनी एनी रेंडम पर्सन इफ आई हर्ट देम अनइंटेंशनली। एंड यू विल सी ग्रेजुअली यू विल सी योर सेल्फ कमिंग आउट फ्रॉम दैट पेन। ओके, सो दिस इज हाउ और दिस इज यू नो द टेक्निक टू लेट द थिंग्स गो। सो अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी और अगर आप ये टेक्निक और ये सिंपल सा टिप अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और आपको लगता है कि पॉजिटिवली उस पे आपकी लाइफ पे असर आ रहा है, प्लीज़ अपना कमेंट शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर कोई फीडबैक भी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप चाहते हैं अगर मेरी वीडियोज़ आपको कॉन्टिन्यूसली मिलती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।